हाय हेलो नमस्कार मुझे जसवंत आपको स्वागत करुच्ची बिंगा नेशनल को। तो पुणी गोटे सुंदर इंटरेस्टिंग भिडियो आपको वेलकम करुच्ची। आउ हाँ आज आम भिडियो कौन कथ ना आम जो अपकमिंग ओ ट्रिपल सी 4070 नर्सिंग अफिसर पर आज आम कम्युनिटर गोल्डेन पॉइंट्स आज डिस्कसन करवा। ठीक अच्छे तो मोस्ट इंपोर्टेंट गोल्डेन पॉइंट्स आम आज कम्युनिटर डिस्कसन करवा। आउ हाँ आम यही भाव नर्सिंग रिलेटेड इमेज बेस्ड क्वेश्चन नर्सिंग रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत सारा क्लास में डिस्कसन कर सारूँ। जदि आपने क्लास सब देखी ना से भिडियो सब देखी ना जाकि डिस्क्रिप्शन में सब भिडियो लिंक अच्छे देखिपारे ना चैनल को मैं जाकर भिजिट करेंगे। आउ हाँ जदि आपको भिडियोटी भल लगे निश्चित भिडियो को लाइक करूँ कमेंट करूँ आप सांग सहित आप सब ग्रुप भिडियो को सेयार करूँ जमीक सब पिला यार फायदा पापारे। आउ हाँ जदि सब्सक्राइब करना जाकि जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करूँ आ बेल आइकन को अल् रखु एमती न्यू भिडियो सर्वप्रथमें पाइबा सब भिडियो भी मुझक ये भिडियो में दुईट इमेज बेस्ड क्वेश्चन पचार जोटा कि आपको रईट आनसर देवार अच्छी। तो ये भिडियो में 7 नंबर आ 14 नंबर तो 7 नंबर आ 14 नंबर दुईट इमेज बेस्ड क्वेश्चन पचार जदि आपको रईट आनसर जना तो तले सांगे सांग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिंतु मुझर कमेंटर अपेक्षा रही है आपंकर कमेंटर निश्चय रिप्लाई देवी। आउ हाँ जदि आपको जना ना जमा भी रूढ़ हूँ ना जमा ही व्यस्त हूँ ना मुझको नेक्स्ट भिडियो आपको तार राइट आंसर सहित आपको फुल्ली एक्सप्लेनेशन करदेवी। जदि आप व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप जॉइन होना तले डिस्क्रिप्शन में लिंक अच्छे जाकर जल्दी जल्दी जॉइन होता आम से किसी भी नुआ भिडियो किसी भी अपडेट छाड़ू सर्वप्रथमें आपण मैंने पारे। तो आउ गोटे कथ कह रखुच्ची यहाँ हूँ आम फोनपे और पेटीएम नंबर जदि आपको आम भिडियो टिके भी हेल्पफुल लगी है और आप हार्डवर्क को सपोर्ट करने चाहते देन ये आपंकर कैपेबल अनुजाई आपने किसी भी पेमेंट करेंगे। आउ हाँ जो मैंने प्रिवियस भिडियो देखिए पेमेंट करते बहुत बहुत धन्यवाद एमती आपको सपोर्ट करता आम आपको ये भाव इंटरेस्ट भिडियो प्रोवाइड करूँ। आउ हाँ आपको गोटे कथ कह रखुच्ची जो मैंने भी पेमेंट करार स्क्रीनशॉट आमको आम व्हाट्सअप नंबर में डायरेक्ट पठातु आम आपको नहीं गोटे यूनिक ग्रुप तैयारी कर किसी एम्फासीस देव किसी भिडियो आप डेडिकेटेड भिडियो रोको आपंकर जहाँ भी सब डाउट रहा आपण मैंने पचारिपारे आपंपाई क्वेश्चन आंसर भी रोक। तो ठीक अच्छे जो मैंने भी पेमेंट करार स्क्रीनशॉट आम व्हाट्सएप नंबर में जल्दी जल्दी पठाई दिंतु। तो ठीक अच्छे आज इंटरेस्टिंग भिडियो को स्टार्ट करवा। तो आज भिडियो स्टार्ट करने पूर्व मुझ गत जो भिडियो दुईट इमेज क्वेश्चन पचारी तार राइट आंसर आपको कह रखुच्छी देखो फास्ट क्वेश्चन टी कौन थी ना आइडेंटिफाय द बिलो इंस्ट्रूमेंट यो इंस्ट्रूमेंट देखा आपको यार ना कौन आपको कहार था। तो ऑप्शन देखो कौन देता ना यहाँ डॉन्स रिट्रैक्टर ना यहाँ सिम्स स्पेकुलम ना यहाँ कस्कस स्पेकुलम ना यहाँ एंटीरियर वैजिनल वॉल रिट्रैक्टर। तो ठीक अच्छे बाबूजी बहुत पिला राइट आंसर देखते आउ हाँ राइट आंसर कौन हम दैट इज ऑप्शन सी दैट इज कस्कस स्पेकुलम। तो आर राइट आंसर कौन हम दैट इज कस्कस स्पेकुलम। तो आपने निश्चय इमेज को देखु आउ राइट आंसर को निश्चिंत मन रखुद जमीक आपने जमा ही भूल। तो आपको कस्कस स्पेकुलम यूजेस कहीदे देखूँ। तो एक्सप्लेनेशन कौन कहला ना कस्कस सेल्फ रिटेनिंग बाइवाल्व स्पेकुलम इज ए काइंड ऑफ स्पेकुलम्स यूज फॉर वजाइनल एंड सर्वाइकल एग्जामिनेशंस इट हैज ए जॉ दैट ओपन्स अप लाइक ए डॉग बिल। कौन कहला ना कस्कस जो आम रहिला आमर स्पेकुलम सेटा गोटे सेल्फ रिटेनिंग बाइवाल्व तार देखो दुईट आमर जमी गोटे डॉग्स रो बिल भाया आम जमी गोटे बतकर थंट भाया आम दुईट तार भाल्व अच्छी। ठीक अच्छे सेटा हो जाए सेल्फ रिटेनिंग आईटा कौनली कौन पर मेनली यूज हुए दैट इज वजाइनल एंड सर्वाइकल एग्जामिनेशन आम किसी वजाइनल और सर्वाइकल एग्जामिनेशन में आम यू मेनली यूज कर था। तो आम कौन करूँ ना वजाइनल को डायलेट कर आम एक्सपांड करजुआलाइजेसन कर। ठीक अच्छे तो आपको मुझे आउ गोटे भी देखे एक्सप्लेनेशन देखूँ कौन कहला ना कस्कस स्पेकुलम इज यूज फॉर इंट्रोड्यूसिंग एन इंट्रायुटेरियन कंट्रासेप्टिव डिवाइस टेकिंग ए पास्मियर कॉटरेशन ऑफ वजाइनल इरोजन एंड कोलोस्कोपिक एग्जामिनेशन इट इज प्रिफर्ड इन क्रायो सर्जरी बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वजाइनल वॉल द एडवांटेज ऑफ कस्कस स्पेकुलम इज दैट इट इज सेल्फ रिटेनिंग। कौन कहला ना आमर कस्कस स्पेकुलम कौन यहाँ गोटे यहाँ आम कत यूज करूँ ना जो आम इंट्रोड्यूसिंग एन इंट्रा यूटेरेन कंट्रासेप्टिव डिवाइस जो आम गोटे आईयूडी आम इंसर्शन करूँ से भी आम यूज करूँ टेकिंग ए पार्समिवर बेले भी आम यूज करूँ देन कॉटरेशन ऑफ वजाइनल इरोजन बेले भी यूज करूँ कोल्पोस्कोपिक एग्जामिनेशन भी यूज करूँ। तो बहुत क्षेत्र में आम कस्कस स्पेकुलम टाक यूज कर।
त ठिक अछि आपण माने निश्चिंत इमेज को मन रखंतु देखंतु एटा हमर को भलिया हेछि मेनली देखंतु एई जगाटा कोन हेछि दैट इज बाई वाल्व दीटा हमर वाल्व अछि जोटा कि हमर रिजिबल्स का भलिया रिजिबल्स होउछि दैट इज बतकर जो थंट भलिया हमर एटा रिजिबल्स होउछि ठिक अछि त एया को आपण माने निश्चिंत मन रखंतु आपण माने इजीली मन रहइबो बतकर थंट भलिया देखा जाउछि त सेटा हमर कोन दैट इज कस्कस स्पेकुलम ठीक अछि त भाउज आपण माने निश्चिंत बुझि जाइथिबे कस्कस स्पेकुलम कोन तमे नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन थिला देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन कौन थिला ना आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस शोन इन द फोटोग्राफ तो यही जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस टी देछि एटा आपन को कोन बतेबार थिला तो ऑप्शन कौन अछि देखंतु एटा फीमेल कंडम ना एटा मेल कंडम ना एटा डायफ्रागम ना एटा वजाइनल स्पंज तो राइट आंसर कौन हबो दैट इज बहुत पिला भी मध्ये राइट आंसर देछंती किंतु किछि पिला कंफ्यूज हे कि रॉन्ग आंसर देछंती तो जमा भी कंफ्यूज होत नै देखंतु एटा हमर को इमेज दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दैट इज एटा डायफ्रागम रो हमर इमेज जोटा कि गोटे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ठीक अछि तो एटा हो हमर राइट आंसर तो भलसे इमेज को देखंतु आ तार यूजेस आपन को मु कहि देबी तो भलसे देखंतु इमेज टी आ निश्चिंत मन रखंतु एटा हो जे डायफ्रागम जमा भी फीमेल कंडम हबनी मेल कंडम हबनी आ वजाइनल स्पंज जमा भी हबनी यूजेस भी मध्ये मु आपन को कहि देबी तो एक्सप्लेनेशन देखंतु कोन दैछि The diaphragm is a barrier method of bath control. It is moderately effective with a 1 year failure rate of around 12% with typical use. It is placed over the cervix with spermicide before sex and left in place for at least 6 hours after sex. Fitting by a healthcare provider is generally required. तो कौन कहला ना द डायफ्राग्रम इज ए बैरियर मेथड तो एटा होचो ओटे हमर बैरियर मेथड कहार ना बात कंट्रोल तो आपण माने निश्चिंत जानले डायफ्राग्रम होचो हमर ओटे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड और बैरियर मेथड कहार ना बात कंट्रोल माने एटा कौन पे यूज हुए दैट इज कंट्रोल ऑफ बाथ बाथ को हमर न होबा पई एटा यूज होइता है तो एटा केमती यूज हुए ना इट इज प्लेस्ड ओवर द सर्विक्स एटा जाई करी पूरा सर्विक्स रे यूज होइता है आ भीतर कोन थाय दैट इज स्पर्मिसाइड हम किछि देइथौ जोटा कि बिफोर सेक्स देन कौन हुए ना एटा आफ्टर सेक्स एटा प्राय हमर 6 आवर्स ताकु सेठी ता प्लेस रे रखिबा को पड़े जोटा कि कौन करे दैट इज हमर कौन हुए ना स्पर्म को आउ इनसाइड माने भीतर को जीवा पई दियेनी जो थे कि हमर कौन हुए ना दैट इज बाथ कंट्रोल बा हमर आउ बाथ टा पॉसिबल हुए ना ठीक अछि जोटा कि हमर फर्टिलाइजेशन रहला आउ हमर पॉसिबल हुए ना तो सेठी हमर कौन हला दैट इज बाथ कंट्रोल हला बा हमर बैरियर हला तो इमेज देखंतु हमर डायफ्राग्रम टी हमर केमिति यूज हुए तो देखंतु एटा होछ हमर डायफ्राग्रम सेथिरे हम किछि कॉन्ट्रासेप्टिव जेली नेले तो ठीक अछि तो जेली नेकरी आमे कोन कले ना वजाइना देकरी आमे सर्विक्स पाखरे से ताकु रखिले बा आमे ड्राइफ्राग्रम टाकु सर्विक्स पाखरे रखिले तो एई जो सर्विक्स पाखरे रखिले तो हमर सेटा कोन हला ना आमे तादर कॉन्ट्रासेप्टिव जेली नै छे तो हमर इंटर कोर्स बेले कोन हुए ना हमर जो स्पर्म बा हमर सीमेन आउट हला तो जदी भी हमर सीमेन वजाइना भीतर आउट होची से स्पर्म जेतेबेले हमर सर्विक्स आड़ को जाउची जेतु हमर एटी कॉन्ट्रासेप्टिव जेली नै छे देन से कोन करिवो ना से स्पर्म को किल करिवो देन हमर ये जो डायफ्राग्रम रो रबर टा रहिला मेनली से भी आउ कोन करिवो ना स्पर्म को आउ भीतर को जेबा को दबोनी जोटी के हमर फर्टिलाइजेशन टा हम्पर हला बा फर्टिलाइजेशन टा हब्बा को जमा भी दबोनी ठीक अछि तो सेति पई कोन हुए ना हमर बात टा हमर हम्पर हुए दैट इज हमर बात कंट्रोल हुए ठीक अछि तो बाबू जी आपण निश्चय बुझी परले तो एटा गोटे कोन ना हमर गोटे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बा गोटे हमर बात कंट्रोल मेजर ठीक अछि बाबू जी आपण निश्चय बुझी परले हमर डायफ्राग्रम आमे केमिति यूज करतो तो आजिर इंटरेस्टिंग वीडियो को आसंद स्टार्ट करिबा तो आज इंटरेस्टिंग रा फर्स्ट क्वेश्चन देखंतु फर्स्ट गोल्डन पॉइंट आपन पई कोन अछि ना मिजिल्स इज कॉज्ड बाय तो मिजिल्स हमर का द्वारा हुए दैट इज कोन ना रूबियोला वायरस तो मिजिल्स का द्वारा हुए दैट इज रूबियोला वायरस तो आज आप यही भाव गोल्डन पॉइंट्स रहिबो तो आप निश्चय खाता कलम धरी रखु निश्चय आप नोट कर पकातु ठीक अच्छे तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन कौन है ना मिजिल्स का द्वारा आमर होता है दैट इज रूबियोला वायरस द्वारा होता है तो ठीक अच्छे आम सेकेंड क्वेश्चन को जी सेकेंड क्वेश्चन देखो वाल ट्यूबरकुलोसिस डे वाल ट्यूबरकुलोसिस डे आमर केबे ऑब्जर्व होता है दैट इज मार्च 24th दैट इज 24 मार्च रे हमर वाल ट्यूबरकुलोसिस डे दैट इज कोन दैट इज टीबी डे तो टीबी डे हमर केबे पालन हुए दैट इज मार्च 24 ठीक अछि तो भाउज आपण मानकर निश्चिंत मन रहउथिबो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु 3 नंबर इनहेलेशन ऑफ कॉटन फाइबर डस्ट ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिजल्ट्स इन तो कोन कहला भलसे क्वेश्चन रे देखंतु
आमे जदि कॉटन फाइबर डस्ट को बहु समय पई बहुत पीरियड पई इनहेलेशन करबा निश्वास रे नेबा तो आमर कौन देखा जीवो दैट इज बिजिनेसिस। तो बिजिनेसिस आमर देखा जीवो ठीक अछि। जदि आमर अधिका पीरियड पई आमे जदि कॉटन डस्ट बा कॉटन फाइबर डस्ट आमे इनहेलेशन करूचे से केस रे आमर कौन देखा जीवो दैट इज बिजिनेसिस ठीक अछि। तो आपण माने क्लास करबा सहित निश्चय आपण माने नोट करथांतु। तो आमे 4 नंबर को जीवा। 4 नंबर क्वेश्चन देखंतु। 4 नंबर कोन दैछि ना गोनोरिया इज ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो गोनोरिया आपण माने जानिथिबे गोटे एसटीडी बा हमर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो गोनोरिया हमर को बैक्टीरिया द्वारा होइथाय दैट इज द बैक्टीरिया नेम इज नाइजेरिया गोनोरिया ठीक अछि। तो गोनोरिया हमर कहा द्वारा होइथाय बा कहा द्वारा कॉज्ड होइथाय दैट इज को बैक्टीरिया दैट इज नाइजेरिया गोनोरिया। तो नाइजेरिया गोनोरिया होची हमर गोनोरिया रो कॉजेटिव एजेंट ठीक अछि। तो आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। 5 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप कौन अच्छी ना वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो वर्ल्ड हेल्थ डे आमर केबे सेलिब्रेटेड होता है दैट इज एप्रिल 7th। तो 7th एप्रिल रे आमर वर्ल्ड हेल्थ डे आमर सेलिब्रेटेड होता है। तो यही भाव गोल्डन पॉइंट्स आपने निश्चिंत मन रखु एमती शॉर्ट क्वेश्चन आपको निश्चिंत आसो ठीक अच्छे। तो आपड़ी आंसर जानते हैं आपसन भी आज देखा पड़ेगा ना डायरेक्ट आपसर करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवन 6 नंबर क्वेश्चन देखते वर्ल्ड एड्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो वर्ल्ड एड्स डे हमर केबे सेलिब्रेटेड होता है दैट इज डिसेंबर 1 रे। तो ठीक अच्छे डिसेंबर 1 रे हमर वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेटेड होता है। तो जमा भी भूलिबे नी यही भाव आपको इयर बेस्ट क्वेश्चन भी आपको निश्चिंत आसो। तो मन रखु आमर केबे कौन सब सेलिब्रेशन होता है। तो आम 7 नंबर क्वेश्चन को जीवा। तो जोटा कि आपला इमेज बेस्ड क्वेश्चन टी देखते कौन देना डिजर्डर बेस्ड ऑन लाइन सोन इन फोटोग्राफ इज कौन कहला ना देखु ये जो आरो मार्क टी दे तो यहाँ आमर कौ डिजर्डर को इंडिकेट करुच्ची ठीक अच्छे आपन को इमेज रु देखिक कहबार अच्छे। तो देखो ऑप्शन हाइपरथायरॉइडिज्म ना डाउन सिंड्रोम ना ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमास ना बेल्स पाल्सी ठीक अच्छे। तो ये जो आरो मार्क टा को भलसे देखु ये आरो मार्क कुआड़ को कौन देपन को देन डिजर्डर बाछबार अच्छे ठीक अच्छे। तो देखा केते पिला राइट आंसर दौंस हाँ जदि आपको राइट आंसर जना सांगे सांगे तले कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिंतु ये 4 ऑप्शन भितर राइट आंसर कौन हम। तो ठीक अच्छे देखा केते पिला राइट आंसर दौंस केते पिला पाठ पढ़ा प्रति निश्चय कनसर्न अच्छा। तो ठीक अच्छे बाबू जी डिफिकल्ट हम तथापि राइट आंसर देवाई आप निश्चिंत चेस्टा करूँ ठीक अच्छे। तो आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बोर कमिटी वाज अल्सो नोन आज। तो बोर कमिटी को आम आउ कौन बोली कही था दैट इज हेल्थ सर्वे प्लानिंग कमिटी। तो बोर कमिटर जदि अन्य ना आप क्वेश्चन आसे आपण मैंने कौन आंसर देवे दैट इज अदर नेम इज हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमिटी ठीक अच्छे। तो आपण मैंने बुझीपे। तो आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 9 नंबर देखु द सिस्टम ऑफ स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग वैक्सीन्स इज टर्म आज। तो द सिस्टम ऑफ स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग वैक्सीन को आम कौन बोली कही था दैट इज कोल्ड चेन ठीक अच्छे। तो आम कौन बोली कहू ना कोल्ड चेन बोली कही था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 10 नंबर द न्यू बॉर्न बर्थ टू बी रजिस्टर्ड इन इंडिया विदिन। तो आम जड़े नुआ जो गोटे बेबी आमर जन्म होची तार केते दिन भितर आमर इंडिया रे रजिस्ट्रेशन करिया को पड़े दैट इज 21 डेज ऑफ बर्थ। तो 21 दिन भितर तार रजिस्टर आम इंडिया रे करिवा को पड़ी थाए ठीक अच्छे। देन आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखु 11 नंबर पल्स पोलियो इम्युनाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर। तो पल्स पोलियो इम्युनाइजेशन आमर केबे इंट्रोड्यूस होता दैट इज 1995 मसीह ठीक अच्छे। 1995 ईयर रे आमर पल्स पोलियो इम्युनाइजेशन फास्ट आमर इंट्रोड्यूस होता ठीक अच्छे। तो आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। तो देखो यही भाव मुझे बहुत क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करी तो जमा भिड को स्किप करूँ ना निश्चय आपड़ को लास्ट जाए देखु। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दे आमोबाइसिस इज कॉज्ड बाय। तो आमोबाइसिस कहा द्वारा कॉज्ड होता है आमोबाइसिस पॉजिटिव एजेंट किए दैट इज आंटी एमोइबा हिस्टोलाइटिका।
तो अमेबेसिस कॉजेटिव एजेंट जब आपको क्वेश्चन आसे डायरेक्ट मन रखु एंटेमो हेस्टोलाइटिका ठीक अच्छे। तो एंटेमो हेस्टोलाइटिका हूँ अमेबेसिस आमर कॉजेटिव एजेंट वमर ताद्वारा होता है ठीक अच्छे। आपण मैंने निश्चिंत नोट करू था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 13 नंबर कौन दे कौन कहला ना वन सब सेंटर रे केते पॉपुलेशन रे हमरो वन सब सेंटर दैट इज 3000 होची हिली एरिया रे देन 5000 होची हमरो नॉर्मल बा प्लेन एरिया रे देन पीएससी ओटे पीएससी केते पॉपुलेशन हेता है दैट इज 20-30000 ठीक अछि। देन 20 टा कहा पई ना हिली एरिया पई देन 30000 टा कहा पई ना दैट इज प्लेन एरिया पई देन वन सीएससी सीएससी कहले कौन दैट इज कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पीएससी कहले प्राइमरी हेल्थ सेंटर ठीक अच्छे। तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर केते भितर हेता है दैट इज 80000 रु लक्षे 20 ठीक अच्छे। 80000 रु लक्षे 20 पॉपुलेशन रे हमर गोटे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हेता है। तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर रे जो 80000 टा रहला हमर हिल एरिया पई आ लक्षे 20 टा रहला का पई दैट इज प्लेन एरिया पई तो ठीक अच्छे। भाबू जी आपण निश्चिंत बुझी पारथिबे तो सबको नोट कर रखु। तो आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जी जोटा कि आपणपाई अच्छी ये इंस्ट्रूमेंट आपण को चिन्हापी अच्छी। तो 14 नंबर देखो कौन दे आइडेंटिफाय द बिलो इंस्ट्रूमेंट ये जो इंस्ट्रूमेंट देटा कौ इंस्ट्रूमेंट आपको बतेबार अच्छी ठीक अच्छे। तो देखा केत रईट आनसर जना अच्छी बाबूजी टी आप कन्फ्यूजिंग रार्ड रखा केत रईट आनसर दौरान। तो इमेज टी देखिले देन आप आसतु एवं अप्सन को देखु फिटाल जंडिस मीटर यहाँ ना डॉपलर फिटाल मनिटर यहाँ ना फिटाल टेम्परेचर मॉनिटर एटा ना फिटाल ब्लड प्रेशर। तो कौन देखु भल से इमेज टी देखु देन आपको यही चारिटे ऑप्शन भितर राइट आंसर बाछबार अच्छी। आज जदि राइट आंसर आपको जना अच्छी सांगे सांगे तले कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिंतु आपण मैंने भी जापरेंगे हाँ मुझ ठीक आंसर देती मुझे आपको नेक्स्ट वीडियो में राइट आंसर कहीदेवी ठीक अच्छे। तो जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिंतु मुझे आपंकर कमेंटर निश्चय अपेक्षार अच्छी आप कमेंट को निश्चय रिप्लाई देवी। तो देखा केत रईट आंसर दौरान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी 15 नंबर देखो डिजीज ड्यू टू केमिकल एजेंट। तो कौ डिजीज आमर कौ केमिकल एजेंट होता है आपको ये दे। तो भलसे देखु ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन निश्चिंत आपन को आसब आज क्लास रु ना मुझे 4-5 मार्क आपने निश्चिंत पाइबे ठीक अच्छे। तो देखु कौन दे आमर गैसेस गैसेस रे कौन हुए ना देखो सीओ टू सीओ एस सी एन एन एस थ्री एन ए टू एच टू एस एस सी एल एसओ टू दिज गैसेस कजिंग पॉइजनिंग डायरेक्ट आम गैसेस मानते जब आम गैसेस डायरेक्ट कौन क्रिएट करे दैट इज गैसेस आम कौन क्रिएट करे दैट इज पॉइजनिंग क्रिएट करे ठीक अच्छे। देन कोल डस्ट सेकेंड देखते कोल डस्ट आमर कौन कौ डिज आम प्रड्यूस करे दैट इज आंथ्रा आंथ्राकोसिस ठीक अच्छे। तो कोल डस्ट रे आम जब अधिक दिन एक्सपोज होमर से कौन देखा दैट इज आंथ्राकोसिस ठीक अच्छे। देन देखु सिलिका तो सिलिका रे आम कौ डिजीज देखा जदि आम लंग टर्म सिलिका इनहेलेसन करुचे दैट इज आम से देखा सिलिकोसिस ठीक अच्छे। देन आम देखु नेक्स्ट नेक्स्ट कौन रहा दैट इज आस्बेस्टस आस्बेस्टस रे आमर कौ डिजीज देखा दैट इज आस्बेस्टोसिस और कैंसर लंग्स ठीक अच्छे। देन आमर नेक्स्ट देखु आयरन आयरन रे आमर कौ डिजीज देखा दैट इज साइडोरोसिस। तो देखु इंटरेस्टिंग क्वेश्चन निश्चिंत स्क्रीनशॉट मारी रखु ना आप लिखिक रखु कहीदे देखु नेक्स्ट आमर केन फाइबर तो केन फाइबर रे आमर कौ डिजीज देखा दैट इज बागासोसिस ठीक अच्छे। देन देखु कॉटन डस्ट रे कौन देखा दैट इज बिजिनोसिस जोटा कि आम डिस्कसन करते पूर्व कॉटन डस्ट रे कौन देखा दैट इज बिजिनोसिस। देन टोबाको रे देखा टोबाकोसिस। देन हाई और ग्रेन डस्ट रे दैट इज फार्मर्स लंग्स ठीक अच्छे। मुझे रखुच्छी सब इम्पोर्टाट टॉपिक आउ इम्पोर्टाट क्वेश्चन मुझे सब डिस्कसन करुच्ची तो जमा भी आपको खेमखाली निश्चय आपने खाता कलम लिखिक रखु ये सब इम्पोर्टाट क्वेश्चन को जमा भी हाथ छड़ा करूँ ठीक अच्छे। तो आपको निश्चिंत आउ थे पढ़ीदे निश्चय मन रखिपारे ना निजे खाता कलम लिखिक रखु ठीक अच्छे। तो आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जी 16 नंबर क्वेश्चन देखो कौन दे फास्ट 5-year प्लान अकर्स इन इयर। तो फास्ट 5-year प्लान आमर केबे आरंभ होता देखु यही भाव क्वेश्चन बहुत थर एग्जाम रे तो यही क्वेश्चन को जमा भी हाचड़ा करूँ तो आम फास्ट 5-year प्लान केबे आरंभ होता दैट इज 1951-1956 आमर फास्ट 5-year प्लान होता ठीक अच्छे।
तो भाव आपने निश्चित मन रखुवे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 17 नंबर, ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड ओआरएस सॉल्यूशन शुड बी यूज्ड विदिन। तो कौन कहला ना आम जब जिते गोटे फ्रेश ओआरएस आम सॉल्यूशन प्रिपेयर करुचे तो सहीटा आम केते टाइम भितर आम से यूज करवा ठीक अच्छे। तो केते टाइम भितर यूज करवा दैट इज 24 आवर्स। तो 24 आवर्स आम कौन करवा ना जदि आम गोटे ओआरएस सॉल्यूशन को प्रिपेयर करुचे तो आम 24 आवर भितर यूज करवा। हाँ जदि आप 24 आवर भितर यूज होना देन आपको ये डिस्कार्ड कर ठीक अच्छे। आउतापुर जमा भी यूज करेंगे देन डिस्कार्ड करेंगे ठीक अच्छे। तो भाव मैंने सब क्वेश्चन को बुझीपे तो ठीक अच्छे। यहाँ हूँ आम फोनपे और पेटीएम नंबर। जदि आपड़ोटे टी भी हेल्पफुल लगी आम हार्डवर्क को सपोर्ट करने चाहते देन आपड़ी आपल अनुजाई किसी भी पे करेंगे। आ हाँ जो मैंने प्रिवियस वीडियो देखिए पे करते बहुत बहुत धन्यवाद। यही भाव आम सपोर्ट करता आम आपको यही भाव इंटरेस्टिंग वीडियो निश्चय प्रोवाइड करूँ। आ हाँ जदि आपको वीडियो भल लगी निश्चित वीडियो को लाइक करूँ कमेंट करूँ आप सांग सहित आपं सब ग्रुप वीडियो को शेयर करूँ जमीक सब पिलार हेल्पफुल पारे। आउ हाँ जदि आपड़ आम ह्वाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप जॉइन होना तो तेज़ डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छी जाकर जल्दी जल्दी जॉइन होती जमीक आम से किसी भी न्यू वीडियो छाड़ू न्यू अपडेट दौचु आपघ्र पारे ठीक अच्छे। तो आपड़ो देखा सहित निश्चय आपर हार्डवर्क को जारी रखु। ओ ट्रिपल एस 4070 पोस्ट्रु आप निश्चय गोटे पोस्ट मिल ठीक अच्छे। तो जमा भी ओरीड हूँ ना निश्चय आपने हार्डवर्क करूँ हार्डवर्क हिं आप सक्सेस अच्छी। तो ठीक अच्छे आज भिडियो एड रखा नेक्स्ट देखा एमती गोटे इंटरेस्टिंग भिडियो सहित। तो आज रही जय जगन्नाथ।